हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर मैथमेटिक्स। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट पार्ट रहता है, यानी कि तुम्हारा यहाँ पर एमसीक्यूज रहता है, टोटल यहाँ पर देखो मैथ्स में टोटल 15 एमसीक्यूज है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी तुम्हारा ये 15 एमसीक्यूज है उसका सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। अब देखो, यहाँ पर काफी लोग स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को नेग्लेक्ट करते हैं, काफी लोग इसको सॉल्व नहीं करते। बट हेयर लेट मी टेल यू दैट अगर तुम ICSE 2025 बैच के स्टूडेंट हो तो तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट है ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, बिकॉज इस बार का जो पैटर्न है थोड़ा बहुत चेंजेस है, कुछ ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है एमसीक्यूज में। तो सारा कुछ हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो भी तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में जिस टाइप का क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज, सारे सब्जेक्ट्स में उसी टाइप का क्वेश्चन, उसी सिमिलर मैनर में तुम्हें क्वेश्चंस पूछा जाएगा और उसी पैटर्न में क्वेश्चंस होने वाला है। तो लेटेस्ट ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2025 का सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है। तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, तुम्हें अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें सिमिलर मिल सकता है, काफ़ी सारा चीज़ तुम्हें यहाँ पर सिमिलर मैनर में पूछा जाने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो गाइस, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये मैंने तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जो है मैथ्स का वो यहाँ पर ओपन कर रखा है। यहाँ पर तुम सभी को कुछ बेसिक डिटेल्स पता होगा, जैसे कि तुम्हारा जो मैथ्स रहता है इसके लिए जो टाइम अलाउड रहता है ये तुम्हारा 2.5 आवर्स रहता है। बाकी सारे पेपर्स के लिए यहाँ पर तुम्हारा 2 आवर्स मिलता है तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्स के लिए, लेकिन तुम्हारा जो मैथ्स है उसके लिए तुम्हें 2.5 आवर्स मिलता है। और यहाँ पर तुम्हारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम मिलता है, लेकिन हिस्ट्री के लिए भी 2 आवर्स ही मिलता है। और हिंदी के लिए तुम्हें यहाँ पर हिंदी या फिर तुम्हारा बंगाली जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है नेपाली, तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर टोटल 3 आवर्स मिलता है। तो जो तुम्हारा यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज है उसके लिए 3 आवर्स मिलता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें 2 आवर्स एक्सेप्ट योर मैथमेटिक्स, मैथ्स में 2.5 आवर्स। सो ये हमने तुम्हारा सब कुछ डिस्कस कर लिया। 80 मार्क्स का पेपर होता है, तुम सभी को पता है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो फर्स्ट पेपर फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन ए, इसके अंदर तुम्हें सारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले है तुम्हारा क्वेश्चन 1, जिसके अंदर यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो एमसीक्यूज है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पॉलीनोमियल इन एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एंड फॉर एक्स माइनस ए टू बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। तो अगर एक्स माइनस ए को यहाँ पर फैक्टर बनना है तो रिमाइंडर इसका क्या होना चाहिए, ये पूछा गया। द रिमाइंडर शुड बी, सो हियर रिमाइंडर हैज़ टू बी 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और क्यों करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर मान लो कि कोई भी फैक्टर है, कोई भी किसी का फैक्टर बन रहा है तो रिमाइंडर 0 होगा तभी फैक्टर बनेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सपोज 10 है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि 2 का फैक्टर, मतलब कि हम लोग को प्रूफ करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, 2 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 5s 10 हो रहा है और यहाँ पर जो है नीचे माइनस होकर कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर कुछ भी तुम्हारा नहीं बच रहा। रिमाइंडर जो नीचे रिमाइंडर है यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा, 0 है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 10 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2। सो नंबर 2 का यहाँ पे क्वेश्चन है, राधा डिपॉजिटेड, बैंकिंग का क्वेश्चन है। सो राधा डिपॉजिटेड ₹400 पर मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 मंथ्स। सो टाइम पीरियड इज गिवन, टाइम पीरियड इज 18 मंथ्स। देन यहाँ पर तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 400 और यहाँ पर तुम्हें क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी निकालना है। सो जस्ट इंटरेस्ट नहीं निकालना है तुम्हें यहाँ पर, क्वालिफाइंग इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा फार्मूला है पी इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग पी इज 400 इंटू एन, एन इज 18, एन प्लस 1 विल बी 19 डिवाइडेड बाई 2। नाउ वी कैन कैंसिल दिस 1, 2 1s 2, दिस 2 2s 4, 0 0 200 हो जाएगा ऊपर। देन यहाँ पर जबकि तुम लोग इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो तुम्हारा यहाँ पर कितना आएगा टोटल पूरा 3600, ये दोनों को करने से 18 2s 36। सो 3600 इंटू 19 विल बी इक्वल टू 3600 इंटू 19 विल बी इक्वल टू 68400 और ये रुपीस में होगा। तो तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। जस्ट फार्मूला लगाना है यहाँ पर और तुम्हारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है नंबर सी, राइट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर सर्कल्स और यहाँ पर तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी है, या हम लोग देख सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो है एक यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है सर्कल का और यहाँ पर क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सी इज़ द डायमीटर। सो वी कैन सी जो तुम्हारा ये सर्कल है इसके अंदर ए सी जो है, ए सी यहाँ पर ये जो है डायमीटर है पूरा,
अगर हम लोग इसका हाफ करते हैं तो रेडियस होगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है ए पी इज 3 सेंटीमीटर, सो इट्स गिवन जो ए पी है ए पी इज 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर तुम्हारा जो पी बी है पी बी इज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर टोटल कितना होगा अगर हम लोग ए बी बोले, अगर ए बी का निकालना है तो ए बी 4 + 3 इज 7 होगा, टोटल 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर बोला गया है कि तुम्हारा क्यू पी, क्यू पी और पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए बी से यहाँ पर परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है। देन इफ़ एरिया, एरिया यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है ए पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू, तो ये यानी कि यहाँ पर ऊपर जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसका यहाँ पर एरिया कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है मतलब कि इसका यहाँ पर एरिया निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ये पूरा ट्राइंगल का अगर हम लोग एरिया निकाल लेते हैं और इसमें से अगर हम लोग ये ऊपर वाला छोटा वाला जो ट्राइंगल है ए, ट्राइंगल ए पी क्यू यानी कि जो ऑलरेडी दिया हुआ है 18, उससे अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये हम लोगों को पूरा मतलब कि इसका पूरा का ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकल जाता है, और उसमें से अगर हम लोग ये छोटा वाला ट्राइंगल का माइनस कर देते हैं तो हम लोग इसको ये वाला शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं। वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, सबसे पहले हमें क्या करना है इसके लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, देखो ये ए पी क्यू डिवाइडेड बाय, हम लोग यहाँ पर सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, इक्वेट करेंगे इसका रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मतलब ये जो बड़ा वाला फुल ट्राइंगल है ए बी सी, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं ए पी, जो साइड्स है वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, सो ए पी बाय ए बी हम लोग लिख सकते हैं, ए पी जो है ये है बाय ए बी मतलब ये पूरा हम लोग ले सकते हैं। अगर तुमने सिमिलैरिटी चैप्टर किया है तो तुम्हें ये पता होगा कि यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है क्यू पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हम लोग ये ले सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये हम लोग सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। देन यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो जो कि एरिया ऑफ ए पी क्यू है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज़ 18 सेंटीमीटर, सो 18 डिवाइडेड बाय, ये हमें नहीं पता ए बी सी का, तो ए बी सी का हम लोग यहाँ पर सपोज एक्स ले लेते हैं इक्वल्स टू ए पी, ए पी का यहाँ पर क्या है वैल्यू, ए पी का वैल्यू है तुम्हारा 3 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए पी इज 3 सेंटीमीटर, सो 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए बी, ए बी कितना रहेगा टोटल रहेगा 7, 3 + 4 = 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। अब जबकि तुम लोग इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारा 3 3 = 9 आएगा, 7 7 = 49 आएगा, और उसके बाद जबकि हम लोग कैंसिल करेंगे तो तुम्हारा यहाँ पर आंसर आने वाला है 98, तो 98 तुम्हारा किस में है, 98 इसमें है, लेकिन ये तुम्हारा राइट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों को पूछा गया है कि शेडेड पोर्शन का निकालने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो एरिया है बेसिकली ए बी सी मतलब कि पूरा का निकाला है, सो पूरा का अगर यहाँ पर 98 है और जो यहाँ पर जो ये वाला छोटा ट्राइंगल है इसका ऑलरेडी दिया हुआ है इट इज़ 18 सेंटीमीटर, तो अगर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर निकल कर 80 आ जाएगा, 98 - 18 = 80, सो हेयर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप यू गॉट दिस आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली एक यहाँ पर अगेन सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल इज गिवन, यहाँ पर टेंजेंट है और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बोला गया है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी टी इज अ टेंजेंट, तो ये जो पी और टी है ये एक टेंजेंट है बाहर से, एक मतलब सर्कल के बाहर से एक लाइन है, तो ये हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है यहाँ पर, तो एक्स जो है यहाँ पर जो अंदर का ये जो एंगल है एक्स डिग्री, तो कितना डिग्री हम लोगों को निकालना है, तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ओ पी तुम लोग लिख सकते हो कि ओ पी इज रेडियस, ये जो है हाफ है तो रेडियस है, ओ पी इज रेडियस, देन यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो पी टी इज टेंजेंट, पी टी इज अ टेंजेंट, टी ए एन जी ई एन टी, टी थोड़ा इधर हो गया, तो अगर तुम लोग मतलब कि ये दोनों अगर चीज़ यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि तुम्हारा बेसिकली ये जो अंदर का एंगल है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये यहाँ से रेडियस है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ है, तो हम लोग यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर ये जो है ये 90 डिग्री है। अब सिंपली यहाँ पर जो फॉर्मूला है तुम लोग कौन सा लगा सकते हो, एक्सटीरियर एंगल वाला, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर यहाँ पर मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल दे रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल जो होता है इज़ इक्वल टू सम
ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं. सो एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा कौन सा, एक्सटीरियर ये एक ट्राइंगल है, इसका बाहर वाला एंगल जो कि एक्सटीरियर एंगल है वो 110 है. 110 डिग्री एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. सो ऑपोजिट इंटीरियर ये दोनों हुआ तो एक हो गया. ये वाला जो हमें पता है 90 है तो हम लोग 90 ले लेंगे. माइनस ये हमें नहीं पता है तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, सम है सॉरी, तो माइनस नहीं होगा, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. सो प्लस कर कर एक्स ले लेंगे. तो यहाँ पर हम लोग जबकि 110 माइनस 90 करेंगे तो ये इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा. तो जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमें 20 मिलेगा. 110 माइनस 90 इज 20. सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट मीन्स 20 डिग्री. नेक्स्ट मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. सो क्वेश्चन नंबर 5 में इन द एडजॉइनिंग डायग्राम द लेंथ ऑफ PR इज, तो PR का लेंथ निकालना है. PR मतलब कि इसका यहाँ पर लेंथ निकालना है. तो यहाँ पर सिंपली एक फिगर दिया हुआ है और तुम लोगों को पता है यहाँ पर जो बेसिकली हमने ट्रिग्नोमेट्री किया, यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, ये हमने पढ़ा था. तो यहाँ पर जो है ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस है, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर, दिस इज़ योर बेस. तो यहाँ पर जो है साइन 60 डिग्री जो कि यहाँ पर 60 डिग्री है तुम लोग देख सकते हो, इज़ इक्वल टू सम पीपल हैव सो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस. सो यहाँ पर तुम्हारा परपेंडिकुलर कितना है, साइन 60 होता है. सबसे पहले वैल्यू साइन 60 का √3/2 है, आई होप यू नो द वैल्यूज़. तो यहाँ पर √3/2 है इक्वल्स टू पी, पी क्या है, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर 9 सेंटीमीटर है. सो 9 / h, h इज़ हाइपोटेन्यूस जो कि हमें यहाँ पर निकालना है. तो यहाँ पर जो है PR है तुम्हारा, तो हम लोग इसको सिंपली PR लिख सकते हैं. और उसके बाद ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 18 इक्वल्स टू √3 इंटू PR होगा, √3 PR, फिर PR इक्वल्स टू 18/√3 हो जाएगा. PR इक्वल्स टू 18/√3 हो जाएगा. तो 18/√3 हुआ, 18/√3. अब यहाँ पर जो है तुम्हारा आंसर तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब फ्रैक्शन में आंसर नहीं है. तो सिंपली तुम लोग क्या कर सकते हो, 18 का यहाँ पर LCM निकाल सकते हो. 2 9 18 होगा, फिर 3 3 9 होगा. तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 2 6 होता है तो हम लोग 6 लेंगे. और यहाँ पर एक जो 3 बच गया, हम सभी को पता है कि यहाँ पर √3 और √3 को मल्टीप्लाई करने से 3 आता है. तो हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं, 3 को हम लोग √3 × √3 लिख रहे हैं. क्यों लिख रहे हैं वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे √3 है ताकि हम लोग एक √3 को कैंसिल कर दें और तुम्हारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाए. तो 6√3 तुम्हारा आंसर बच जा रहा है ये दोनों कैंसिल होने के बाद. तो 6√3 ऑप्शन नंबर बी में, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन. तो यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर 6 का क्वेश्चन. अ सॉलिड स्पीयर इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल हेमिस्फीयर. एक सॉलिड स्पीयर है, इसको हम लोग ने यहाँ पर कट करके क्या बना दिया, 2 आइडेंटिकल. तो यहाँ पर 2 पीसेस में कट कर दिया. तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, स्टेटमेंट 1 लिखा है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्पीयर. मतलब ये दोनों का वॉल्यूम अगर हम लोग अलग से सेपरेटली निकाले तो ये इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, येस. फिर यहाँ पर जो है टोटल सर्फेस, तो फर्स्ट वाला जो है ये ट्रू है, दिस इज ट्रू. अब सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया, यहाँ पर द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर टुगेदर इज इक्वल टू द सर्फेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्पीयर. देखो सर्फेस एरिया यहाँ पर जो है बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग इसको कट कर रहे हैं. मान लो ये है, इसको कट करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, फिर नीचे ऐसा होगा. अब इसका ये जो नीचे का एक्स्ट्रा सरफेस जो है वो यहाँ पर जो है इसका भी एरिया हमें निकालना पड़ेगा. एरिया बढ़ जाएगा और नीचे का भी एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे का कट पोर्शन हो गया तो एरिया और ज़्यादा बढ़ गया. यू कैन अंडरस्टैंड दैट. तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सो दिस इज़ फॉल्स. बट ऊपर का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा. तो यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स. तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स. इस तरीके से हमें करना है. आई होप यू गॉट इट करेक्ट. नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर 7. नंबर 7 का क्वेश्चन है, गिवन दैट द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स इज़ 140, देन देयर मीन इस. तो मीन निकालना है सिंपली. यहाँ पर सम दिया हुआ है, सम कितना है 140 है. और यहाँ पर जो है मीन निकालना है, तो मीन जो है x बार इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पर कितना होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स दिया हुआ है तो सम कितना है, टोटल इज 140. सो टोटल डिवाइडेड बाय यहाँ पर तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल यहाँ पर तुम्हारा 7 है, बिकॉज फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर है. सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7. सो 140 डिवाइडेड बाय 7 तुम्हारा कितना होगा, 7 2 14 0, सो 20 हो जाएगा. 20 इज देयर इन ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. नाउ दिस इज फ्रॉम योर प्रोबेबिलिटी चैप्टर. अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स. तो एक बैग में यहाँ पर 3 रेड मार्बल्स है
एंड टू ब्लू मार्बल्स, टू दिस इज ब्लू, ब्लैक नहीं है, ब्लू है. फिर क्वेश्चन में बोला गया मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक मार्बल. क्वेश्चन में देखो यहाँ पर लिखा है रेड मार्बल और ब्लू मार्बल, लेकिन आंसर में मतलब ये सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक मार्बल, तो जीरो होगा बिकॉज यहाँ पर ब्लैक मार्बल तो है ही नहीं बैग के अंदर. सो यहाँ पर जीरो हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा मैट्रिसेस का है. तो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट जो है ए दिया हुआ है, इसका तुम्हारा यहाँ पर क्या है 1 by 2 है, और इसका यहाँ पर 2 by 2 मैट्रिक्स है ये, क्योंकि यहाँ पर 2 rows है, 2 columns है, और यहाँ पर 1 row है, सो 1, और 2 columns है, सो 1 by 2 है इस तरीके से. और यहाँ पर बोला गया कि क्या यहाँ पर assertion में दिया हुआ है प्रोडक्ट ए बी ऑफ द ट्रू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल. तो क्या हम लोग इसका यहाँ पर कर सकते हैं प्रोडक्ट, मतलब कि ए इंटू बी कर सकते हैं? येस, हम लोग कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये ट्रू है, दिस इज ट्रू. अब नेक्स्ट रीजन दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी. तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए बोला गया है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, सेकेंड वाला कॉलम होता है तो यहाँ पर 2 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ क्या बोला गया है रोज, रोज कितना है 2 है, तो दोनों इक्वल है. येस, एक का 2 है, इसका भी 2 है, तो हम लोग ने दोनों को कंपेयर भी कर दिया क्वेश्चन पढ़कर, तो यहाँ पर दोनों ही ट्रू है. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, दिस इज योर राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पर तुम्हारा, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम योर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन का पार्ट है. सो यहाँ पर क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग 2 parts ऑफ रेड पिगमेंट्स विथ 5 parts ऑफ द बेस यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल. यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी टू गेट द रिक्वायर्ड मिक्सचर ऑफ पेंट. जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा ये है, तो हम लोग इसको सिंपली 2 by 5 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू इक्वेट करके 4 by a लिख सकते हैं. अब हम लोग को इसका वैल्यू a का पता लग जाएगा, 2a इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, 5 4 is 20, और a कितना हो जाएगा 20 by 2, 20 by 2 कितना होगा 10. सो a का वैल्यू हमें निकल गया 10, सो a इज इक्वल टू 10. अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर a का वैल्यू 10 है तो हम लोग इसको यूज़ कर b का भी निकाल सकते हैं, ये वाला जो है पार्ट इसको यूज़ कर 4 by 10 हो जाएगा, ए का वैल्यू 10 है, इक्वल्स टू बी बाई 12.5 हो जाएगा. अब ये जो है बी इक्वल्स टू 12.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा 5. तो बी का वैल्यू जो है वो 5 निकल के आ गया. अब हम लोग सी का कैसे निकालेंगे, ये और ये हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो तुम लोग ये और ये भी कर सकते हो, या इसका वैल्यू भी ए का निकल गया है तो ये दोनों को यूज़ करके भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ये ईजी रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 by 5 ले रही हूँ. सो 2 by 5 इक्वल्स टू इक्वेट करना है तो 6 by c हो जाएगा. तो यहाँ पर तुम्हारा 2c इक्वल्स टू 5 6 is 30. अब c इक्वल्स टू 30 by 2 हो जाएगा, 30 by 2 is 15, तो यहाँ पर तुम्हारा 15 हो जाएगा. तो 15 लास्ट में 15 है, सेकेंड हमारा 5 निकला था, a का 10 निकला था वैल्यू. सो ऑप्शन नंबर d इज़ करेक्ट. तो इस तरीके से तुम्हें निकालना था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है तुम्हारा यहाँ पर, ये GST चैप्टर है. अन आर्टिकल विच इज़ मार्क्ड एट ₹1200, तो यहाँ पर जो है आर्टिकल का 1200 प्राइस दिया हुआ है. फिर इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. 20% डिस्काउंट मतलब कि 20% ऑफ 1200 माइनस 20%. 1200 माइनस 20% ऑफ 1200, तो ये हमें निकालना है. 1200 माइनस 20% मीन्स 20 by 100 इंटू 1200 होगा. यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 2 24 होता है, सो 2400 होगा, 240 होगा, सॉरी 2 zeros कट गया है. सो 1200 माइनस 240 करना है, तो यहाँ पर तुम्हारा 960 आएगा. सो यहाँ पर 960 तुम्हारा आ गया. अब यहाँ पर बोला गया कि रेट ऑफ GST 18% है, और हमें यहाँ पर SGST निकालना है. तो 18% तुम लोग 960 का निकालोगे 18%. अब जो यहाँ पर जो आंसर आएगा GST, जो तुम्हारा अमाउंट आएगा, वो तुम्हारा टोटल GST रहेगा. उसको तुम्हें हाफ में डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो तुम्हारा CGST और SGST में जाता है. तो यहाँ पर एक ही पार्ट बोला गया, SGST पूछा गया. तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर उसका हाफ कर देना पड़ेगा. तुम लोग सिंपली क्या कर सकते हो, 18% को 9% कर सकते हो, तो हाफ हो जाएगा, तो SGST निकल कर आ जाएगा. 9% करना है, 9% ऑफ 960. तो 9% ऑफ 960 कितना होगा तुम्हारा यहाँ पर, जबकि तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर आएगा 86.40.
सो 86.40 इज देयर इन ऑप्शन नंबर डी. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. तो इस तरीके से तुम्हें करना है. ये तुम्हारा एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में. नेक्स्ट है तुम्हारा शेयर्स एंड डिविडेंस चैप्टर, तो यहाँ से इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में एमसीक्यू. द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाई 50 रुपीज 40 शेयर्स एट रुपीज दिस मच इज. तो यहाँ पर तुम्हें सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड निकालना है. तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेसिकली निकालना है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स इज 50. नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 शेयर्स. सो नॉमिनल वैल्यू इज़ रुपीज़ 40. ये तुम्हारा मार्केट वैल्यू है. सो मार्केट वैल्यू MV इज़ रुपीज़ 38.50. यू नीड टू फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट. सो फार्मूला इज, आई होप यू नो द फार्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स इज 50 इंटू तुम्हारा यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है. सो मार्केट वैल्यू इज 3850 डिवाइडेड बाई 100 करना है. तो ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया. जबकि तुम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 385 × 5, सो यू विल गेट 1920. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. यहाँ पर बोला गया रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज. तो रूट्स निकालना है. तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस इक्वेशन है इक्वल्स टू जीरो. एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस वन. अब यहाँ पर तुम्हारा रूट हटेगा, मतलब स्क्वायर हटेगा, तो इधर रूट आ जाएगा. तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट ओवर वन. रूट ओवर वन का वैल्यू वन ही होगा, बिकॉज वन इंटू वन इज़ वन. सो तुम्हारा प्लस माइनस वन जो है वो तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा. सो प्लस माइनस वन इज़ देयर इन ऑप्शन नंबर डी. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. नाउ दिस इज द सेकेंड लास्ट MCQ. लेट्स सॉल्व इट क्विकली. क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस. तो इक्वली इंक्लाइंड के लिए कंडीशन क्या होगा, तुम्हारा स्लोप या तो वन होगा, स्लोप मतलब कि m, either it will be 1 or it will be minus 1. तो हमें ये कंडीशन को फुलफिल कौन सा वाला तुम्हारा यहाँ पर इक्वेशन कर रहा है वो देखना है. उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा इक्वली इंक्लाइंड है लाइन. तो यहाँ पर जो है बेसिकली अगर x का वैल्यू बस 7 दिया हुआ है तो इससे हम लोग मेकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर x जो है तुम्हारा 7 दिया हुआ है. तो ये तुम्हारा लाइन में यहाँ पर आ जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7 करके इधर में आ जाएगा. तो ये तुम्हारा x नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बिकॉज हमें स्लोप निकालना है. तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है स्लोप का, मतलब निकालने के लिए, y इज इक्वल टू, ये तुम्हारा रहता है इक्वेशन mx प्लस c. तो यहाँ पर जो रहता है y इज इक्वल टू mx. तो यहाँ पर जो x के साथ में रहता है m, वो तुम्हारा स्लोप होता है. तो यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन चेक करें, फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y है तुम्हारा. तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो 2 यहाँ पर आएगा और ये 2/3 आ जाएगा, 3 इधर आएगा, तो 2/3. तो 2/3 स्लोप नहीं होना चाहिए, स्लोप आइदर 1 या फिर माइनस 1 होना चाहिए. तो अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग चेक कर सकते हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यही वैसे राइट है. तो यहाँ पर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर तुम्हारा एम एक्स प्लस सी रहता है ये वाला. तो y जो है, y तुम्हारा यहाँ पर माइनस वाई है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा mx. तो यहाँ पर तुम्हारा x हो जाएगा प्लस c तुम्हारा यहाँ पर प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, बिकॉज 7 इधर आएगा. तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस c इज 7, सॉरी ये 7 होगा, माइनस 7. अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, तो तुम्हारा स्लोप 1 है. तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा 1 कंडीशन फुलफिल हो गया कि स्लोप हमें 1 मिल गया. सो दिस लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर b विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14. नाउ द लास्ट MCQ, लास्ट क्वेश्चन. यहाँ पर तुम्हारा एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पर बोला गया x इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसको हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पर जो है x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू x बाई 3 प्लस 3 है. यहाँ पर जबकि तुम लोग x को साथ में रखोगे तो यहाँ पर तुम्हारा x इधर आएगा, तो x माइनस x बाई 3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पर 3 ऑलरेडी था और ये माइनस 2 उधर चला, प्लस 2 उधर चला गया, तो माइनस 2 हो गया. तो यहाँ पर तुम्हारा जो है, जबकि तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 3x माइनस x आएगा, लेस देन इक्वल टू ये 1 आएगा, 3x माइनस x 2x होगा. सो 2x और यहाँ पर तुम्हारा 3 होगा, x का वैल्यू आएगा 3/2. सो x इज लेस देन इक्वल टू 3/2 इज 1.5. 3/2 इज
ये तुम्हारा ऐसे कट कर 1.5 हो जाएगा। अब जो 1.5 है यहाँ पर बोला गया है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 1.5। देखो हमारा जो प्राइम नंबर्स होता है ये यहाँ पर 2 से स्टार्ट होता है, 2 तुम्हारा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से ही यहाँ पर हमारा प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया है कि x इज़ लेस देन 1.5, तो 1.5 या 1.5 से कम तो यहाँ पर तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वाला नल वाला हमें सेलेक्ट करना है, ये जो है ऐसे करके एम्प्टी है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करना है एम्प्टी वाला। हमें यहाँ पर ये वाला ऑप्शन काफ़ी लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि बी का है ज़ीरो, पर ज़ीरो नहीं होगा, पर यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा बिकॉज ज़ीरो जो है प्राइम नंबर नहीं है, राइट। यहाँ पर जो ज़ीरो है ज़ीरो का भी यहाँ पर कुछ है, ज़ीरो यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है और यहाँ पर ज़ीरो का भी कुछ वैल्यू है बिकॉज यहाँ पर बोला गया कि प्राइम नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी कि एम्प्टी वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 15 एमसीक्यूज था तुम्हारा जो कि ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, सारा हमने डिस्कस किया विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि बाकी पेंडिंग है सेक्शन ए का और सेक्शन बी का भी आने वाले अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करूँ क्वेश्चन 2 से सारा क्वेश्चन, तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना। आई विल ट्राई टू डू अ वीडियो ऑन द रेस्ट of the questions. So that's all for this video. Thank you so much for watching. And if you have any doubts or queries, definitely you can ask me in the comment section below. Thank you.